बोलो रेडी रेडी आ जा भाई ला जल्दी ला भाई मैंने वाला फ्रेम में रेडी ऐसा रखना पड़ेगा अरे रेडी रेडी अब तक आप लोगों ने ये सवाल पूछा है कि आदिल क्या राखी को मारा करता था, ठीक है, हर एक के जहन में ये दिमाग में था। अब मैं आपके सामने, आप लोगों के मीडिया के समक्ष एक ऐसा फोटोग्राफ रखने वाला हूँ और एक मेडिकल रिपोर्ट रखने वाला हूँ जिससे ये बात साबित हो जाएगी हिंदुस्तानी नहीं पूरे राखी के चाहने वालों पे और आदिल के लोगों पर भी कि राखी को किस बुरी तरह से आदिल मारा करता था। मैं कुछ वीडियो फोटो आपके सामने पेश करूँगा, आप लोगों से अनुरोध है कि देखिए देखिए ये फोटोज है, देखिए ये पहला फोटो, उसके हाथ को चोट लगी, ये शुरुआत है, देखिए 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 लाइट बढ़ा लाइट बढ़ा एक मिनट लाइट बढ़ा देता हूँ, आप लोगों को पता चलेगा कि कितनी बुरी तरह एक महिला के साथ आदिल पेश आता था। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं आता, ये कोई अब नॉर्मली आदमी आता है। जब मैंने ये फोटो देखी तो मैं तो हैरान हो गया भाई, चलिए ये देखिए पहली फोटो, उसके हाथ के चोट की, ये तो शुरुआत है, ये शुरुआत है, ये बहुत मामूली दिख रहा होगा कि हाथ में चोट लगना तो चलो मामूली बात है। चलिए आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ, चलिए ये देखिए, होल्ड रखना, देखिए 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 आराम से देख लीजिए, कोई जल्दी नहीं, जो सोच रहे कि ये झूठ है, ये जो आपको चोट के निशान दिख रहे हैं इसके बाद तुरंत, और देखिए ये तब कौन सी रात की बात है जब राखी सावंत का मम्मी की डेथ हुई थी, ये तब की बात है, राखी सावंत को उसी रात को उसने मारा और बाद में राखी को हमारे जो भाई हैं राकेश भाई इन्होंने मेडिकल के लिए भेजा क्योंकि इनको और भी चीज़ें देखनी थी। यहाँ पे राखी का मेडिकल रिपोर्ट भी मैं आपके सामने रखूँगा जहाँ पे साफ तौर पर ऊपर के अस्पताल के डॉक्टरों ने बोला कि कितना दरिंदगी से राखी को बेरहमी से मारा गया है राखी को। मैं वो जानवर को भी नहीं मारते, मैं वो रिपोर्ट भी आप लोगों के सामने रखूँगा। और अब जो लोग हंस रहे हैं, जो मजाक उड़ा रहे हैं, जो ड्रामा क्वीन बोल रहे हैं इस लड़की को, उनके मुंह में ये तमाचा मारना चाहूंगा मैं कि क्या वो अपनी माँ बहनों से इस तरह की तकलीफें सहन करने को कहेंगे, कि क्या कोई उनकी माँ को बहन को या बीवी को इस तरह से मार के जाएगा तो उसको ड्रामा क्वीन बोला जाएगा। बहुत रिप्लाई आ रही थी, बहुत चीज़ें आ रही थी कि भाई ये ड्रामा क्वीन है, ये तो ड्रामा चल रहा है, इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है,
ये सच्चाई है। शरीर पे मार्क्स, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, इस तरह के मार्क्स देखिए। मुझे लोग फोन कर रहे हैं, अरे राखी सावंत तो ड्रामा क्वीन है, वाहिद भाई आप कहाँ खड़े हैं, तो ये ड्रामा क्वीन है, मैं तो भाई हूं। मेरी भी बहन है, मेरी भी बेटी है, किसी के भी साथ ऐसा होगा तो हम खड़े रहेंगे उसके साथ। क्या कोई इंसान दूसरे इंसान को, एक एक हस्बैंड अपनी वाइफ को इस तरह से मारता है? देखिए आप लोग, चलिए ये हो गया, मुझे लोग बोल रहे हैं, मुझे लोग बोल रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये मेरा किया हुआ नहीं है, ये राखी का किया हुआ नहीं है, ये आदिल का किया हुआ है, ये हकीकत है। और ये कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने भी माना है, मैं आपको उनके रिपोर्ट, कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर की रिपोर्ट भी दिखाऊंगा। ये देखिए, ये देखिए, और वो भी लिप्स के पास, लिप्स के पास जो चोट लगा, वो भी उस दिन जिस दिन माँ का देहांत हुआ, कितना बेरहम हो, कितना बेरहम होगा वो। ये फोटोज हम मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते थे, लेकिन आज परिस्थिति कुछ ऐसी है कि हमको लाना पड़ा। राखी ने कहा कि ये फोटो अब बहुत जरूरी होगी कि मीडिया के सामने लाया जाए और हकीकत पे एक मोहर लगाई जाए कि लोगों को लग रहा था कि राखी मजाक कर रही है, राखी सिर्फ ड्रामा क्वीन है, ड्रामा क्वीन नहीं है, इतनी बेरहमी से मारा है। क्या आप अपनी बेटियों को, माओ को अगर ऐसा देखोगे तो चुप रहोगे क्या? चलिए ये कूपर हॉस्पिटल का ये रिपोर्ट है, ये भी देख लीजिए। ये आप देख सकते हैं, सिर्फ माँ के लिए चुप बैठी वो, अपना घर संभालने के लिए चुप बैठी वो। अब ये लोगों का मुंह चुप हो जाएगा ये देखकर कि जो कह रहे थे कि राखी तो सिर्फ ड्रामा कर रही है, उसके साथ कोई मारपीट नहीं होती थी, ये डॉक्टर का रिपोर्ट है। अब ये आप लोग तय कीजिए कि ये सब होने के बाद राखी ने जो किया वो सही किया या गलत किया। मेरा एक क्वेश्चन पूछिए, पूछिए। आप कह रहे हैं जिस दिन माँ का देहांत हुआ, ये देखिए, उस दिन आदिल ने मारा था, और जिस तरीके के निशान फेस पर है और बॉडी पर है, नेक्स्ट डे जब राखी अपने मॉम के फ्यूनरल के लिए जब गई थी, तब ऐसे कोई निशान उनके फेसेस वगैरह पे नहीं दिखे थे? राखी ने पूरा कोशिश की थी छुपाने की, क्योंकि वो घर संभालना चाहते, वो माँ के शोक में थी, वो माँ की प्रॉब्लम में थी, वो अपना अपना दुखड़ा बताए या अपनी माँ का दुखड़ा देखे, फिर भी उसने घर संभालने की कोशिश की। लेकिन जब हम घर पे गए तब पता चला, फूट फूट के रोई वो कि मामा ये तो कुछ भी नहीं, ये देखो मेरे साथ क्या भाई, बताओ। मुझे भी नहीं पता था राकेश ये चीज़, फ्यूनरल में जब हम थे हमें भी नहीं पता था कि उसके साथ ये हुआ है, लेकिन जब रात को ये सब चीज़ का खुलासा हुआ तो कोई भी नहीं सहेगा। अब आप लोग तय कीजिए, आप मीडिया हैं, संविधान का चौथा स्तंभ है, अब आप लोग बताइए कि ये सच है या झूठ है, ये आप लोगों को पहुंचाना है पब्लिक तक, और इससे आगे ऊपर से भी इंक्वायरी कर सकते हैं, पुलिस हमसे क्या कहेगी? इतने सारे आपने एविडेंस दिए, उसके बाद कार्रवाई शुरू है, कार्रवाई शुरू हो चुकी है, सारी एविडेंस मिल चुके हैं, यहाँ तक के मेडिकल रिपोर्ट भी हमने दे दिया उनको, ये फोटोग्राफी है, जो सारी चीजें, उन सारी 406 सेल के जितनी भी धाराएं लगी है और भी धाराएं लगेगी, जिस तरह से उसने, दिस इज अटेम्प्ट टू मर्डर, और आज भी जो मारने की कोशिश की, ये भी बताया कि जब वो नमाज पढ़े थे उसके ऊपर पूरा शीशा गिरा दिया था, एक मारने की कोशिश थी कि अगर वो नहीं तो फिर सारी प्रॉपर्टी मेरी और फिर मेरी रिहायशी। मेरा एक सवाल आप दोनों से रहेगा कि आपने जैसे अभी कहा कि राखी दुख में थी, तो जब उनकी माँ का देहांत हुआ उसके बाद हम लोगों ने उनका इंटरव्यू किया, तो वो आदिल को क्यों मना रही थी कि आदिल चले आओ, वापस चले आओ? आप अपना घर बचाने की कोशिश कर रही हैं, आज माँ मरी है, वो तो ऐसे ही अंदर से आदिल मर चुकी थी, उसको डर लग रहा था, अभी क्या, तो अपना घर बसाने की कोशिश कर रही थी, अभी तक कोशिश, कल माँ की 13वीं है, फिर भी वो इतना सहती रही कि, लेकिन आज उसने। अब आप मुझे बताइए, राखी की शादी को हो गए तकरीबन 8 महीने, ठीक है, 8 महीने से 7 महीने तक राखी ने अपनी शादी को छुपाए रखा, किसके कहने पर? आदिल के कहने पर। जब वो इतना पेशेंट रख के 7 महीना छुपा सकती थी तो आगे और छुपा सकती थी। ये एक सब चीज़ का खुलासा, ये सब चीज़ का फोटोग्राफ्स कब आया बाहर? जब 45 डेज जब वो बिग बॉस में थी मराठी में, उसके बाद जब आदिल ने यहाँ पे दूसरी औरतों के साथ घूमना शुरू किया, फोटोग्राफ जब राखी को भेजे गए, तब इस चीज़ का खुलासा हुआ। हम बुलाते रहे आदिल को, फ़ोन करते रहे कि राखी तो बिग बॉस में है, आदिल तुम आओ ज़रा देखो माँ को, लेकिन वो बोलता रहा कि मेरे पास थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे को बैंगलोर पुलिस ढूंढ रही है, मुंबई पुलिस ढूंढ रही है, और मैं अंडरग्राउंड हूँ, तो आप लोग हैंडल कर लो। अरे इतना ही नहीं, जब राखी ने शादी की फोटोग्राफ्स और अपना निकाहनामा मीडिया के समक्ष पेश किया, तब आदिल से मैंने खुद बात की
कि आदिल तुम्हारी शादी हो गई है, कबूल क्यों नहीं कर रहे हो? तो उसने क्या कहा मुझसे, 7 से 8 दिन लगेगा वाहिद भाई, थोड़ा रुको ना। वो ये उसका टाइम बाइंग का चीज़ है। कल मीडिया में कितने लोगों ने उससे भी बातचीत की होगी, नहीं मैं 2 दिन में खुलासा करेगा ना, मैं 4 दिन में खुलासा करेगा ना। ऐसा नहीं होता। जब शादी की तो तुम पर कोई रिवॉल्वर रख के या दबाव में ला के तो शादी नहीं कराई गई, बाकायदा काजी को बुलाया गया, निकाहनामा साइन हुआ। तुम्हारे लिए एक लड़की जो क्रिश्चियन है उससे मुसलमान बन रही है, कलमा पढ़ रही है, हिजाब पहन रही है, नमाज पढ़ रही है, उस तुमको इस चीज़ की कोई इज्जत नहीं है? तुमको शादी की या नहीं उसको एक्सेप्ट करने के लिए 7 दिन का समय क्यों चाहिए था? तो जब मीडिया ने उस पर प्रेशर बनाया तब जाके राखी आदिल ने 3 दिन के बाद एक्सेप्ट किया कि जी हाँ साहब हमने मैंने शादी की। तो आप समझिए उस इंसान की मानसिक क्या स्थिति क्या है, किस तरह का सोच है उस आदमी का। उसी सब का बदला लेकर उसने उसको मारा है इस बेहरे में कि तूने खुलासा क्यों किया कि हमारी शादी हो गई। और रो इतना मारता था वो, मैं भाई होके मैं पूरी फैमिली रो पड़ी, माँ का तो दुख था ही उसके ऊपर, बहन का दुख, और ये सब जानने के बावजूद राखी चुप बैठी कि थोड़ा सा उसको वक्त दे दे। लेकिन आज जो हद पार कर दी, घर में चोरी, उसके बाद ऑर्नामेंट्स की चोरी, उसके बाद फिर से मारपीट, आज फिर मारने आया था, कितना सहन करेगी वो एक नारी है, वो भी एक बहन है, किसी की बेटी है। अगर आपकी होती तो आप बोलते कि ड्रामा क्वीन है वो, तो उसकी प्रॉब्लम है कि वो स्टार है, वो एक्ट्रेस है। धन्यवाद धन्यवाद। और ये फोटोग्राफ्स मैं आप लोग को व्हाट्सएप कर दूंगा, आप लोग देख। हमारे ग्रुप में हेलो।